हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मा ज्ञान। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट APQR और एनुअल प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू रिकॉर्ड्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फार्मा ज्ञान पर। और आज हम बात करने वाले हैं APQR और एनुअल प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू रिकॉर्ड्स की। फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल फार्मा ज्ञान, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फार्मा ज्ञान। लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। सो वॉट इज APQR और PQR? APQR क्या है? APQR को कुछ अलग टर्म्स में PQR भी कहते हैं, PAR और APR भी कहते हैं। जनरली APQR का जो फुल फॉर्म है, एनुअल प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू रिकॉर्ड्स, और PQR मीन्स प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू, एंड PAR मीन्स प्रोडक्ट एनुअल रिव्यू, एंड APR मीन्स एनुअल प्रोडक्ट रिव्यू। ये जो टर्म्स हैं PAR एंड APR, वो द टर्म्स आर एप्लीकेबल टू FDA, एंड APQR इज जनरल टर्म्स विच आर यूज्ड बाय ऑल द अथॉरिटीज एंड रेगुलेटरीज। लिस्ट ऑफ कंटेंट्स वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। द फर्स्ट वन इज APQR डेफिनेशन। द सेकंड वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ APQR, एंड द थर्ड वन इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ APQR, एंड द नेक्स्ट वन इज आवर नेक्स्ट वीडियोज, एंड द लास्ट वन इज रेफरेंस गाइडलाइंस। सो वॉट इज APQR और PQR इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज? APQR और PQR इज ए गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रिक्वायरमेंट यूज टू वेरीफाई द कंसिस्टेंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एन एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। It plays a critical role in identifying any trends in the process, further leading to process or product improvements. तो APQR क्या है? ये एक GMP और CGMP की requirement है, जो कि हमारी manufacturing process में या फिर manufacturing process की जो consistency या uniformity है उसको identify करता है, और हमारी जो manufacturing process है वो कितनी एक्यूरेट है, अप्रोप्रिएट है हमारे जो भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके लिए, उसको भी ये हेल्प करता है। उसके जो डेफिशिएंसीज या फिर जो कमियां हैं उसको भी आइडेंटिफाई करने में APQR हमारी हेल्प करता है। सो इंट्रोडक्शन ऑफ APQR। एनुअल प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू, APQR इज एन इवोल्यूशन which is prepared according to CGMP requirements of different regulatory authorities. तो APQR क्या है कि different regulatory authorities के requirement पर हम prepare करते हैं। A good manufacturing practice ensures that the products are consistently produced and controlled according to quality standards. GMP क्या करती है कि जो भी product बनता है या फिर हम बनाते हैं वो कंसिस्टेंटली और एक कंट्रोल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग बनाया जाए, उसका जो प्रोडक्ट बनता है उसकी यूनिफॉर्मिटी रहे, क्वालिटी उसकी रहे, जिसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्मिटी, सेफ्टी, क्वालिटी, ये सारे पैरामीटर्स हमारे उसमें होना चाहिए। एनुअल प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू रिकॉर्ड्स नॉट ओनली आर रिक्वायर्ड बाई GMP बट ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर रोबस्ट क्वालिटी इम्प्रूवमेंट फॉर मैनुफैक्चरिंग ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो APQR से हम जो भी डिफेक्ट्स या फिर डेफिशिएंसीज या प्रोसीजरल गैप्स और भी बहुत कुछ हमें आइडेंटिफाई होता है, वो सब हम आइडेंटिफाई करके प्रोडक्ट की क्वालिटी को हम अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। सो एनुअल प्रोडक्ट रिव्यू इज एन इवोल्यूशन कंडक्टेड एनुअली टू एक्सेस द quality standard of each drug product with a view to verify the consistency of existing process and to check the appropriateness of current specifications and to highlight any trend in order to determine the need to change any drug product specifications or the manufacturing process or control procedures. क्या होता है, जो हमारा APQR है वो जनरली हम ईयरली या एनुअली बेसिस पे हम बनाते हैं। APQR कैसे बनाते हैं, APQR
का प्रोसीजर क्या है बनाने का, उसका कुछ शेड्यूलर या प्लानर, ये सब हम एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पूरी प्रोसीजर के साथ में। तो अभी हम ये समझ लेते हैं कि APQR का जो इंट्रोडक्शन क्या है, APQR के इम्पोर्टेंस क्या है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, वो सब हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो क्या जनरली एनुअली हम APQR बनाते हैं, इसके बाद में APQR से क्या होता है कि हमारी जो प्रोसेस है वो, उसके जो रिज़ल्ट मिल रहे हैं वो कंसिस्टेंट रिज़ल्ट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, कंसिस्टेंट या यूनिफॉर्म रिजल्ट्स, जो प्रोसेस है हमारी, जो प्रोसीजर्स हम यूज़ कर रहे हैं वो एप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स हैं कि नहीं हमारे प्रोडक्ट के डेवलपमेंट या फिर प्रोडक्ट बनाने के लिए। और APQR के थ्रू क्या है, ट्रेंड्स हम बनाते हैं, उन ट्रेंड्स से ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि कहाँ पर प्रोसीजरल गैप है या कहाँ पर कुछ ज़्यादा ही उतार चढ़ाव आ रहा है। जैसे रिजल्ट्स जो होते हैं हमारे, उस पे भी हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि कहाँ पर कितना रिज़ल्ट हमें मिल रहा है और कौन से प्रोडक्ट या कौन से बैच में कितना रिज़ल्ट और अदर ऑब्जर्वेशंस का आइडेंटिफिकेशन हमें इधर मिल जाता है। डिफेक्ट्स भी अगर कुछ है तो वो भी हमें इसमें आइडेंटिफाई हो जाएंगे। इट इज़ अ रिटन रिपोर्ट इज़ रिक्वायर्ड फॉर एवरी ड्रग प्रोडक्ट बेस्ड ऑन डेटा कलेक्टेड एट लीस्ट एनुअली। मतलब ये एक रिटन रिपोर्ट होती है जो कि हम ईयरली इसका डेटा कलेक्ट करके बनाते हैं। It is designed to minimize the risk involved in any pharmaceutical production that can't be eliminated through testing of final product. It is universally accepted by the industry and contents must specify a list of manufactured batches, release data and review of deviation, complaints, recall and return goods. तो ये क्या है, जो APQR है जनरली सारी रेगुलेटरीज के द्वारा एक्सेप्टेड है। जो भी रेगुलेटरीज है, जैसे हमारा USFDA, यूरोपियन या फिर कनाडियन रेगुलेटरीज है, अफ्रीकन रेगुलेटरीज है, और लोकल बॉडीज़ हमारी जो हैं उसमें भी लगभग सभी जो रेगुलेटरीज है सभी की रिक्वायरमेंट है APQR की। तो APQR में हम जो भी डेटा है वो एटलीस्ट एक साल में जितना भी हमारे बैचेस बने हैं उन सबका हमें रिव्यू करना होता है, उन सबके API, एक्सीपीएंट्स, प्राइमरी पैकिंग मटेरियल, OS, OOT, चेंज कंट्रोल इंसिडेंट, कापा, डेविएशन और मार्केट कंप्लेंट्स और क्वालिफिकेशन स्टेटस ऑफ द इक्विपमेंट्स एंड कैलिब्रेशन स्टेटस ऑफ द इक्विपमेंट्स, ये सभी चीज़ें हमें एक APQR में स्टडी करनी होती है और फाइनली उसकी एक समरी बनाकर उसको क्लोज करना होता है। एनुअल प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू इज एन इवोल्यूशन कंडक्टेड एट रेगुलर पीरियोडिक और रोलिंग क्वालिटी रिव्यूज ऑफ ऑल रजिस्टर्ड मेडिसिनल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट, US मार्केट एंड यूरोप मार्केट, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड रॉ मार्केट। रॉ मीन्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। टू एक्सेस द क्वालिटी स्टैंडर्ड of each drug product with the view of to verify the consistency of existing process and to check the appropriateness of current specifications and to highlight any trends in order to determine the need to change any drug product specifications or the manufacturing process or control procedures. तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि जो APQR या एनुअल प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू या PQR या APR, जो भी टर्मिनोलॉजी आप यूज़ करते हो, उसको बनाने की जो रिक्वायरमेंट है वो सभी, ऑलमोस्ट सभी रेगुलेटरी बॉडीज़ की रिक्वायरमेंट है। वो US मार्केट, यूरोप मार्केट, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड द लास्ट वन इज़ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब सभी मार्केट जितने भी हैं। अगर आप डोमेस्टिकली भी यूज़ कर रहे हैं तो भी आपको APQR बनाना ही है, क्योंकि APQR से क्या बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको प्रीवियसली बता चुका हूँ। जैसे कंसिस्टेंसी प्रोसेस की हमें पता चल जाती है, प्रोसेस की अप्रोप्रिएटनेस पता चल जाती है, हमारे करंट स्पेसिफिकेशंस में क्या उतार चढ़ाव हो रहे हैं, रिजल्ट्स में क्या उतार चढ़ाव हो रहे हैं और वो हमारे स्पेसिफिकेशंस के जो क्राइटेरियाज हैं उसमें बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, तो वो सभी हमें इसमें आइडेंटिफाई हो जाएगा।
It is an effective quality improvement tool to enhance the consistency of manufacturing process and overall quality of the product. It will capture broader review of product data and capturing trends will help determine the defects and possible improvements of the methods and process. Where no significant changes have been made to the system or manufacturing process and the quality review confirms that the system or process is consistently producing material meeting its specifications, there is normally no need for revalidation. So, what are the importance or significance of APQR? Verify the consistency of existing manufacturing process and minimize the risk to pharmaceutical products, which will be helpful for pharmaceutical companies to develop their products consistently of best quality on a yearly basis. फर्स्ट वन हम क्या करते हैं कि जो हमारी प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उसकी कंसिस्टेंसी को हम वेरीफाई करते हैं, उसकी यूनिफॉर्मिटी को हम वेरीफाई करते हैं. सेकंड वन उसकी जो प्रोसीजर हमारी है उसकी एप्रोप्रिएटनेस क्या है उस प्रोडक्ट के पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए वो हम उसमें आइडेंटिफाई करते हैं वेरीफाई करते हैं. इट डिटरमाइंस द क्वालिटी एंड प्रोसेस डिफेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स. APQR से हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो क्या क्वालिटी है और प्रोसेस डिफेक्ट्स अगर हमें कहीं आइडेंटिफाई होते हैं तो वो भी इसमें हम पता कर सकते हैं. इट आल्सो डिटरमाइंस पॉसिबल इम्प्रूवमेंट्स ऑफ द एनालिटिकल मेथड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. अभी एनालिटिकल मेथड्स या एनालिटिकल टेस्टिंग मेथड्स जो हमारी है उसमें अगर कहीं प्रोसीजरल गैप है हमारे जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हैं उसकी टेस्टिंग में जो प्रोसीजर्स यूज़ होने वाली हैं या होती हैं उनमें अगर कोई प्रोसीजरल गैप्स है तो वो भी हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करके उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं. ट्रेंड ऑफ यील्ड एनालिटिकल रिजल्ट्स मैन्युफैक्चरिंग पैरामीटर्स ऑफ द प्रोडक्ट आर आल्सो हाईलाइटेड. इट इज़ हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई प्रोसेस एंड प्रोडक्ट डिफेक्ट्स. तो अभी क्या है जैसे ट्रेंड ऑफ यील्ड मतलब हमारे जो बैचेस हमने बनाए हैं उनकी क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स यील्ड रिजल्ट्स एनालिटिकल रिजल्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के जो पैरामीटर्स हैं वो सब उनका हम एक ट्रेंड बनाते हैं और उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं. तो उसमें हमारा जो स्पेसिफिकेशंस लिमिट हैं उससे और हमारा जो ट्रेंड बनता है वो दोनों को हम आइडेंटिफाई करते कि कहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो हम इससे आइडेंटिफाई करके उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं. इट रिव्यूज़ द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड पैकेजिंग मटेरियल विच इज़ यूज्ड फॉर द प्रोडक्ट. Verifies the appropriateness of current specifications for the both starting materials and finished product to highlight any trends in to identify product and process improvements. हमारे जो current specifications हैं उनकी appropriateness को भी हम verify करने के लिए APQR का use करते हैं. Out of specification parameters helps to determine the product defects and to prospective actions are defending the product from possible risk. If any of the batches is failed, then it is also included in the annual product quality review to determine reasons for batch rejection. अगर कोई batch हमारा reject होता है या fail होता है, किस reason से fail होता है, तो वो भी हमें APQR में include करना होता है. जिससे हम identify कर सके कि क्या reason था इस batch के reject होने का और हमारे जो प्रीवियस APQRs अगर हमने बनाए हैं कोई तो उसमें भी हमें ऐसा चेक करना है कि क्या रीज़न हो सकता है या किस रीज़न की वजह से बैचेस रिजेक्ट हो रहे हैं. तो उससे हम हमारा जो प्रोसीजर है या बैच रिजेक्शंस हो रहे हैं उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं. द रिव्यू ऑफ द स्टेबिलिटी स्टडी रिजल्ट्स ऑफ एनी लॉन्ग टर्म एंड ऑन गोइंग स्टेबिलिटी ऑफ द बल्क प्रोडक्ट एंड द मार्केटेड प्रोडक्ट शुड बी डन. स्टेबिलिटी स्टडी में हम जो डेटा रिव्यू करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम करते हैं तो उससे भी हमें आइडेंटिफाई होता है कि जो इम्प्योरिटीज़ है या इम्प्योरिटीज़ का लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है. साथ में ही जो हमारा API का रिजल्ट है या फिर पोटेंसी है वो इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है. जनरली डिक्रीज़ ही होती है
एपीआई की पोटेंसी और जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनका लेवल जनरली इंक्रीज होता है टाइम टू टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है इम्प्योरिटीज़ इंक्रीज होती जाती है और जो एपीआई की पोटेंसी है वो डिक्रीज होती जाती है। तो ये जो है कितने टाइम में कितना इसकी पोटेंसी डिक्रीज़ हो रही है और इम्प्योरिटीज़ कितनी इंक्रीज़ हो रही है वो इसमें स्टडी हम कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ इन अवर नेक्स्ट वीडियोस, तो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो फर्स्ट वन, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि APQR कैसे बनाते हैं। अगर आप लोगों की इस वीडियो को देखकर रिक्वायरमेंट रही तो ही हम ये वीडियो बनाएंगे कि APQR कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे APQR जब हम बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से एनेक्सर्स हमें बनाने होते हैं और रिव्यू करने होते हैं, एंड कंप्लीट लिस्ट ऑफ व्हाट टू बी रिव्यूड ड्यूरिंग APQR कंपाइलेशन। जितने भी एनेक्सर्स हमने बनाए हैं उनको रिव्यू करना होता है और उसके बाद में हमें समरी बनानी होती है APQR की। तो इनिशियल हम APQR कैसे बनाते हैं वहाँ से लेकर तो समरी कंपाइलेशन तक सारे डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ रेफरेंस गाइडलाइंस जो मैंने यूज़ की हुई है वो आपको यहाँ पर मैं लिस्ट कर रहा हूँ। यूरोपियन कमीशन वॉल्यूम 4 से मैंने कुछ डिटेल्स ली हुई है, 21 CFR पार्ट 211 से कुछ डिटेल्स ली हुई है, पिक्स क्वालिटी मैनेजमेंट गाइडलाइन से भी कुछ डिटेल्स ली हुई है, पिक्स क्वालिटी मैनेजमेंट PE 009-13 पार्ट 1 सब पार्ट 1.4, WHO TRS 961 एनेक्सर 4 को रेफर किया हुआ है, एंड प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू बाई ICHQ 7 की गाइडलाइन भी रेफर की हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फार्मा ज्ञान।